नहीं मिलती थी। उस समय गन्ने की सही कीमत और पैसा भी उनको नहीं मिलता था, साल साल दो दो साल इंतज़ार करना पड़ता था। अगर मैं केवल पिछले 4-5 सालों का भी उदाहरण दूं, तो सन 2019-20 ये जो वित्तीय वर्ष है, इसमें 75,854 करोड़ रुपया किसानों को मिला, किसान गन्ना किसानों को, और 2020-21 में 93,011 करोड़ रुपया मिला, 2021-22 में 1,18,618 रुपये मिले, और 2022-23 में 1,14,005 रुपये मिले, और ये लगभग 99.9% पैसा इनके खाते में सीधा चीनी मिलों द्वारा दिया गया। और इस साल भी अब तक 81% से ज़्यादा पैसा अब तक मिल चुका है। तो कैसे मोदी सरकार की गारंटी, मोदी की गारंटी जो है किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए, लगातार इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और सारे कदम उस दिशा में उठाए गए हैं। दूसरा निर्णय, क्योंकि किसान के पास पशुपालन का भी काम होता है, तो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत एक सब स्कीम, ये हमारे पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, इसमें एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि जो हमारे पैक एनिमल्स होते हैं यानी कि भारवाही पशु जैसे कि घोड़े, ऊंट, गधा, खच्चर आदि की संख्या देश भर में घट रही है और देसी नस्ल की कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं, तो इसलिए पशुधन एवं पोल्ट्री की प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने के लिए तथा फॉडर और फीड की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन चलाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत ब्रीड इम्प्रूवमेंट, नस्ल को सुधार करने के लिए ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बनाने का काम हो रहा है, अच्छी क्वालिटी के फॉडर के सीड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं, और इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, फार्मर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबको 50% कैपिटल सब्सिडी इसका प्रावधान दिया गया है और जिसकी अधिकतम सीमा 50,00,000 रुपये रखी गई है। इसके अतिरिक्त पशुधन का इंश्योरेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य भी किए जाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा विस्तार में अगर आपको कहूं तो पैक एनिमल्स जैसे कि घोड़े, ऊंट, गधा, खच्चर के ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के कार्यों को भी लिया जाएगा और पशुधन जैसे कि पोल्ट्री और पैक एनिमल्स के ब्रीडिंग फार्म को स्थापित किया जाएगा।